अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर ने कहा कि एल्विस यादव जैसे लोग समाज के लिए किसी खतरनाक जहर से कम नहीं है। देश के युवाओं को चाहिए कि वह एल्विस यादव नहीं बल्कि उन शहीदों को अपना आदर्श बनाए जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। जहां तक बात स्वामी प्रसाद मौर्य की है तो ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे, बेहतर है कि इन जैसे लोगों को अनसुना कर दिया जाए। सनातन महासंघ के संस्थापक गौतम खट्टर मेरठ के जिमखाना मैदान में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। मीडिया से वार्ता करते हुए गौतम खट्टर ने यह कहा। जी, मेरा नाम गौतम है और मैं सनातन महासंघ का संस्थापक हूं। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि महर्षि दयानंद को, स्वामी श्रद्धानंद को, वीर भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, इनको अपने जीवन में आदर्श बनाओ। तथा कथित सनातनी इन्फ्लुएंसर से बचो जो समाज में हिंदू के नाम पर अपनी पब्लिसिटी गेन करते हैं और वो हिंदू का, वो सनातन का सा भी नहीं जानते, ऐसे लोगों से बचो। ये लोग सनातन धर्म के नाम पर कलंक हैं और इन्फ्लुएंसर बन करके तुमको गलत रूप से इन्फ्लुएंस करते हुए हैं। यदि इन्फ्लुएंस होना है तो वीर बंदा बैरागी से इन्फ्लुएंस हो, यदि इन्फ्लुएंस होना है तो भगत सिंह से इन्फ्लुएंस हो, यदि इन्फ्लुएंस होना है तो अशफाक उल्ला खां से इन्फ्लुएंस हो, अगर इन्फ्लुएंस होना है तो जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह, जुजार सिंह और वीर बंदा वैरागी से इन्फ्लुएंस हो। एल्विस यादव जैसे लोग जिनको तुम अपना इन्फ्लुएंसर मानते हो, ये तुम्हें गलत रूप से, नकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, समाज को गलत दिशा दिखा रहे हैं। इसलिए इस समाज का, सनातन धर्म का इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव नहीं है। युवाओं, यदि इन्फ्लुएंसर बनाना है तो भगत सिंह को बनाओ, महर्षि दयानंद को बनाओ, स्वामी श्रद्धानंद को बनाओ, एल्विस यादव को मत बनाओ। ये जहर है, जहर है, जहर है। वो एक बौद्धिक आतंकवादी है, उसकी बात मत सुनो। गली के हजार भौंकते हैं लोग, छुट भैया नेता, ऐसे लोगों को की कोई वैल्यू नहीं है। बोलने दो, जो बोल रहा है उसको इग्नोर करो। बौद्धिक आतंकवादी हैं, वैचारिक आतंकवादी हैं, कुछ भी बोल देते हैं और मीडिया वाले उनको दिखाते हैं, पब्लिसिटी देते हैं। मैं मीडिया वालों से कहूँगा ऐसे लोगों को दिखाना बंद करें। इनका समाज के उत्थान में कोई योगदान नहीं है, धर्म के विकास में कोई योगदान नहीं है। क्या जानता है वो धर्म के बारे में, क्या जानता है वो राम के बारे में? अगर उसकी हिम्मत है स्वामी प्रसाद मौर्य की तो मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर, अगर उसकी हिम्मत है तो ईसा मसीह के बारे में बोल के दिखा, अगर स्वामी प्रसाद की औकात है तो बोले अबू बकर के बारे में, उस्मान के बारे में, आयशा के बारे में। बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता, क्योंकि उसको पता है जिस दिन बोलूंगा कुरान के बारे में उसी दिन सर तन से जुदा, तन सर से जुदा हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलेगा। पर राम के बारे में बोलेगा, कृष्ण के बारे में बोलेगा, उसको पता है हिंदू तो मरा हुआ है, सोया हुआ है। और मैं सनातनियों को कहूंगा कि ऐसे लोगों को जहां पाओ उनको मुंह तोड़ जवाब दो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।